हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में कॉलेज परीक्षाओं को लेकर काफी बड़ा निर्णय लिया गया और फाइनली जिस समय का हम इंतजार था, दो महीने से हम इंतजार कर रहे थे कॉलेज परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय कब जारी होगा, तो वो आ चुका है। तो राजस्थान सरकार ने जो अंतिम निर्णय सुनाया है कॉलेज परीक्षाओं को लेकर, आप सभी को पता है कि यूजी कोर्सेज पीजी कोर्सेज के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। यहाँ पर प्रथम वर्ष वालों को जो है जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, सेकेंड ईयर वालों को प्रोविजनल प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल वालों की एग्जाम होगी। इस बीच जो है काफी सारे विद्यार्थी जो इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं, ऐसे कौन-कौन से इस गाइडलाइन के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको देखते हुए विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है और विद्यार्थी चाहते हैं कि राजस्थान सरकार उस शिक्षा विभाग वापस से इस गाइडलाइन के अंदर बदलाव करें, इस गाइडलाइन के अंदर संशोधन करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या संशोधन जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो यह वीडियो सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक आपको वीडियो को देखना है। जैसा कि आप सभी को बताया, उस बात की जो गाइडलाइन आई है कॉलेज परीक्षाओं को लेकर, उसमें यहां पर दो पॉइंट ऐसे हैं जो सभी विद्यार्थी इससे असंतुष्ट है। पहला पॉइंट है कि अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो एक सब्जेक्ट के एक ही दिन में सभी पेपर्स करा लिए जाएंगे। मान लीजिए केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के तीन पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, तो तीनों पेपर एक ही दिन करा लिए जाएंगे। तो यह कैसे पॉसिबल है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक दिन में तीनों पेपर दे देगा या दो पेपर दे देगा? लेकिन इससे विद्यार्थी खुश नहीं है। आप खुद सोचो यार, एक दिन में मतलब तीन पेपर दो पेपर कैसे दे पाएंगे? जब विद्यार्थियों की पढ़ाई रेगुलर हुई नहीं है, उनको गैप मिल गया, उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो एक तो आप जो है लगभग 10-15 दिन ही दे रहे हैं कि भाई जुलाई के एंड में आपकी एग्जाम लेंगे। दूसरी तरफ जो है यहां पर एक ही दिन में एक विषय के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो दो हो या तीन हो, कैसे कंडक्ट हो सकते हैं? तो काफी बड़ी समस्या यहां पर सामने आ रही है सभी विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहां पर एक दिन में दो पेपर या तीन पेपर नहीं हो सकते हैं, तैयारी नहीं हो पाई है विद्यार्थियों की। तो यहां पर सभी लोग इस यहां पर जो गाइडलाइन जारी हुई है उस शिक्षा विभाग की, इसका विरोध कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं, सभी संगठन विरोध कर रहे हैं और मैं भी इस चीज का विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि एक दिन में तीन पेपर्स कंडक्ट करना, एक विद्यार्थी के लिए तीन सब्जेक्ट के पेपर देना नामुमकिन जैसा है। वो कैसे तैयार करेगा यार? फिजिकल का सिलेबस अलग होता है, ऑर्गेनिक का अलग होता है, इनऑर्गेनिक का अलग होता है, एक ही पेपर में एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर का अलग अलग सिलेबस होता है। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहां पर विद्यार्थियों को। हमने यहां पर बच्चों से पूछा कि आप राजस्थान सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं, जो गाइडलाइन आई है, जो भी पॉइंट गाइडलाइन में है? तो बच्चों ने कहा बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। लगभग 70% प्लस बच्चों ने कहा सर हम संतुष्ट नहीं है, इसमें बदलाव करने चाहिए, काफी सारे पॉइंट बिल्कुल छात्र हित में नहीं है, विद्यार्थियों के हित में नहीं है, बिल्कुल संशोधन जरूरी है। इस बीच जो है वापस से अब जो है विरोध स्टार्ट हो चुका है विद्यार्थियों का और हम कल ट्विटर कैंपेन के जरिए यहां पर विरोध जताएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो भी आपने गाइडलाइन जारी की है उसमें सुधार करें, उसमें परिवर्तन करें और जो भी निर्णय ले वो विद्यार्थियों के हित में ले। तो हमारे साथ यहां पर जो है छात्र संगठन भी हमारे साथ आ चुके हैं, सभी विद्यार्थियों के साथ आ चुके हैं, सभी यूट्यूबर्स मिलकर, सभी छात्र संगठन मिलकर यहां पर जो है ट्विटर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। छात्र संगठन की अगर हम बात करें तो एनएसयूआई के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पूनिया, उन्होंने खुद ने पत्र लिखा है उस शिक्षा विभाग को कि सरकार को बिल्कुल जो है यहां पर परिवर्तन करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। तो सरकार की ये जो गाइडलाइन जारी हुई है इसके विरोध में हम ट्विटर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे जो भी सुझाव हैं, जो भी हम चाहते हैं कि ये संशोधन किया जाए गाइडलाइन के अंदर, वो सरकार तक बात पहुंचे। तो हम सभी को मिलकर का ट्विटर पर 10 बजे से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करना है और लगातार ट्वीट करने हैं, सभी को टैग करना है जितने भी मंत्री हैं, और आप मुझे पर्सनल जो मेरा ट्विटर अकाउंट है उस पर फॉलो कर लें, मेरे जितने भी ट्वीट होंगे उन सभी को रिट्वीट करें। तो कल वापस से हमें संगठन दिखाना होगा और वापस से लगातार ट्वीट करना होगा। तो आपको क्या ट्वीट करना है? #changecollegeexamguidelineinraj #changecollegeexamguidelineinraj आपको लगातार ट्वीट करना है। तो बहुत ज्यादा ट्वीट करना है आपको, जिससे कि वापस से सरकार हमारे सुझावों को जाने कि क्या क्या हम सुधार करना चाहते हैं और विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया जाए।